तो गेमर्स, आपको पता है ये गेम के अंदर एक बड़ा इवेंट जो कि है हमारा दिवाली इवेंट आने वाला है, जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि इस इवेंट में हमें बहुत कुछ फ्री में आइटम्स मिलते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि भाई इस बार हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले बता दो, जो लोग चैनल पर न्यू आते हो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो छोटा सा इंट्रो देने के बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो गेमर्स, मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हो डार्क शूटर गेमिंग का एक और फ्रेश एंड एक्साइटिंग वीडियो। चलो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए करते हैं हमारे आज के जो वीडियो का टॉपिक है उस वीडियो का टॉपिक को स्टार्ट। तो बेसिकली यार सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो गेम के ऊपर हमारा न्यू MP5 का इनक्यूबेटर आ चुका है, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना कर रखा था। तो मेरे पास यहाँ पर 3 वाउचर थे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मेरे पास ऑलरेडी इवोल्यूशन स्टोन देख सकते हो 5 है, तो यहाँ पर पहला स्पिन मैंने कर दिया। तो यहाँ पर एक ब्लू प्रिंट भी अगर निकल जाए तो कम से कम जो सबसे नीचे वाला MP5 है उसको मैं यहाँ पर निकाल पाऊँगा, लेकिन ये तो टॉप वाला है जिसमें रेट ऑफ फायर रेंज आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 यहाँ पर खर्च हो चुका है और लास्ट वाला यहाँ पर मेरा बचा है। लगता तो नहीं कि निकलेगा ब्लू प्रिंट, वही सच हुआ, नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं, मेरे को उतना इस पर डायमंड खर्च करना भी नहीं है, बस ऐसे ही जो 3 वाउचर पड़ा हुआ था उसको मैंने कहा भी था कि आपके सामने यहाँ पर मैं स्पिन करूँगा, तो वो कर दिया। इसके बाद मैं अगर बात करूँ गेम के अंदर आपको लेस इज मोर देखने के लिए मिल जाएगा, इसका मतलब जिन लोगों के पास डायमंड कम है वो लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा ऑफर मिलेगा। तो टोटल आपको यहाँ पर 520 डायमंड मिलेगा आप लोगों को, मतलब अगर आप पुराने प्लेयर्स हो तो आप लोगों को पता ही है ये इस टाइप का इवेंट गेम के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो डायमंड पैक प्राइस लिखा हुआ है, जैसे सपोज जिसके पास अगर 7 डायमंड है तो उसको यार 520 डायमंड मिलेगा बस हमारा ओनली 160 रुपीज़ पे, और जिसके पास सपोज करो 299 से ज़्यादा डायमंड है उनको 400 रुपीज़ पड़ जाएगा वही 520 डायमंड लेने के लिए। तो बेसिकली फ्री फायर का ये देने का यही मतलब है कि यार हम लोग रिचार्ज करें, लेकिन जो लोग समझदार बंदे हैं वो लोग रिचार्ज करते ही नहीं है, जैसे कि मैं, हम सिर्फ एयर ड्रॉप के पीछे भागते हैं, जब एयर ड्रॉप आएगा तभी भाई हम लोग बात करेंगे। तो इसके बाद मैं अगर बात करूं, आपको याद होगा जो पुराने प्लेयर्स हो कि गेम के अंदर दिवाली इवेंट पर आपको ये देखने के लिए मिला था, ठीक है। बेसिकली ये कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर लेवल अप कार्ड है जो कि अभी बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आप पुराने प्लेयर्स हो तो आपको याद होगा कि जो एक कैरेक्टर लेवल 8 का कार्ड है, जो येलो कलर का ये वाला कार्ड है, उसका डायमंड पर अगर आप प्राइस देखोगे तो 5000 डायमंड लगता था, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो। मतलब ये रिवार्ड यहाँ पर फ्री में दिया था, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो दिवाली इवेंट को फ्री फायर कितना धूमधाम तरीके से मनाता है, जो कैरेक्टर लेवल 8 का कार्ड है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता था वो कार्ड, यहाँ पर दिवाली इवेंट पर फ्री में मिलता था। तो आप पकड़ कर चलो कि ये इवेंट कितना खास होने वाला है, मतलब तब के टाइम पे। अभी के टाइम पे क्या हुआ, ये जो कैरेक्टर लेवल 4 अप कार्ड देख रहे हो, ये कैरेक्टर लेवल आप 6 का 8 का देख रहे हो, ये अभी बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको, फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं, उसके जरिए ही आप यहाँ पर कैरेक्टर को इंक्रीज कर पाओगे तुरंत, तो इसीलिए ये कार्ड अभी उतना यूज नहीं होता, ठीक है। आई थिंक बंद ही हो चुका है यूज़ की, फ्री फायर ने बंद ही कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप यार 1.5-2 साल या उससे ज़्यादा तरीके से आप यहाँ पर खेल रहे हो गेम को, तो दिवाली इवेंट पर इसके पहले हो जो आपने देखा कि आपको यहाँ पर जो अगले बार था वहाँ पर आपको देखने के लिए मिला था गन स्किन्स। इसके अलावा जितने भी रेयर बंडल्स हैं, जैसे आपको याद होगा हमारे गेम पे आर्टिक ब्लू बंडल एक टाइप से कह सकते हो बहुत ही रेयर बंडल था, वो यहाँ पर दिवाली इवेंट पर दिया था। और ये जो गन देख रहे हो, ये गन आपको यहाँ पर दिवाली हुई अभी, जैसे रैपर स्विट्स इवेंट चल रहा है गेम के ऊपर, आई थिंक चल रहा है कि बंद हो गया मेरे को पता नहीं है, तो रैपर स्विट्स इवेंट पर जैसे आपको गन स्किन दिखा, ये वाला गन
स्किन, वैसे ही दिवाली हुई इस पर ही देखो ये वाला ही गन स्किन दिया था। और रैपर स्विस जो कि अभी चल रहा है, मतलब आप सोच सकते हो ये M1887 का स्किन पुराना हो चुका है, लेकिन इसका रेट ऑफ फायर और रिलोड स्पीड की वजह से ये गन स्किन अभी भी फ्री फायर देता है। और बहुत सारे जो बंदे हैं वो इस गन स्किन को लेते भी है, क्योंकि अभी अपडेट के बाद क्या किया है फ्री फायर ने, जो कि M1887 है उसमें आपको रिलोड स्पीड माइनस देखने के लिए मिल जाता था और रेट ऑफ फायर भी, उसके साथ साथ रेंज भी। तो इसीलिए यार ये स्किन फिर से दे रहा है ताकि बंदे और इसको यूज़ करें और ये गन स्किन और भी बिके। इट इज़ कॉल्ड बिजनेस यार है फ्री फायर का, कुछ ऐसा ही मानना है। तो ये अब उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, आर्टिक ब्लू बंडल यहाँ पर आपको दिवाली उस पर देखने के लिए मिला था, तो आप लोग पकड़ के चलो जो हमारा इस बार का दिवाली हुई इवेंट आने वाला है उसमें भी आपको कुछ रेयर बंडल देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ एनिवर्सरी पर आपने तो देख ही लिया कि आपको यहाँ पर ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न पर देखने के लिए मिल गया था। तो दिवाली हुई इस पर जितना चांसेस यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ब्रेक डांसर बंडल यहाँ पर आपको रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कुछ सर्वर्स पर आपको पता है ये गोल्ड रॉयल पर दे दिया था ब्रेक डांसर बंडल। तो यहाँ पर चांसेस है कि दिवाली इवेंट पर, उस इवेंट पर आप लोगों को, मतलब यानी कि हम सबको यार ब्रेक डांसर बंडल जो कि है मतलब रिटर्न पर देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ, अगर आप लोगों को याद होगा अगले बार जो दिवाली इवेंट में एक इवेंट आया था लाइट अप बरमूडा, तो उसमें यार बहुत कुछ हमें मिला था। चारों गन स्किन्स में से एक गन स्किन हमें चूज करना था। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक मैजिक क्यूब देखने के लिए मिला था, उसके अलावा तीन इमोट। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ये जो इसका पीक डे था वो 14th तारीख को था, यानी 14 नवंबर का इसका पीक डे था, और हमें इतना कुछ यार चूज करने के लिए मिला था। तो आप लोग भी यहाँ पर पकड़ के चलो कि इस बार का जो दिवाली इवेंट होने वाला है उसमें आपको इमोट, उसके अलावा गन स्किन्स एंड मैजिक क्यूब बंडल्स, क्योंकि यार मैजिक क्यूब फोर्थ एनिवर्सरी पर आप लोगों को मिल ही चुका होगा। क्यूब फ्रेगमेंट्स दे रहा था, लेकिन उससे बहुत सारे बंदे ने मैजिक क्यूब कन्वर्ट तो कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर जो मैजिक क्यूब स्टोर है वो यहाँ पर अपडेट होने वाला है दिवाली से पहले। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि भाई मैजिक क्यूब स्टोर पर नेक्स्ट कौन कौन से बंडल्स आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपना जो मैजिक क्यूब है उसे बचा कर रखा है नेक्स्ट बंडल्स जो आएगा उसको लेने में, तो कौन सा बंडल्स आने वाला है, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन करके बता सकते हो, ताकि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना दूँ कि मैजिक क्यूब पर कौन कौन से बंडल्स आने वाला है मैजिक क्यूब स्टोर पर। और तो इस बार भी आप पकड़ के चलो, इमोट, गन स्किन्स और ये सारा कुछ इससे ज़्यादा ही हमें बेटर देखने के लिए मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारा जो इस बार का दिवाली इवेंट होने वाला है। साथ ही साथ पहले से ही हमारे पास मैजिक क्यूब है, तो इस बार अगर मैजिक क्यूब ना दे इसकी वजह से कुछ और भी दे सकता है, क्योंकि फोर्थ एनिवर्सरी पर हमें ऑलरेडी मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट दिया है, तो हो सकता है कि इस बार कुछ हमें और देखने के लिए मिले। मतलब ओवरऑल पकड़ के चलो बहुत कुछ हमें यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग दिवाली इवेंट को कोई भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे तो बहुत कुछ आइटम्स यहाँ पर आप खो दोगे। और जैसा कि आपको पता है ये दिवाली उस पहली बार आप लोगों ने देखा था, उस बार इस बार भी तो दिवाली उस टाइप का इवेंट आने वाला है जिसमें आपको रेयर बंडल्स देखने के लिए मिल सकता है। चांसेस ही भी आ रहे हैं कि जो इवो MP40 है वो भी आपको रिटर्न पर देखने के लिए मिले, तो उसके लिए थोड़ा वेट तो हमें करना पड़ेगा। फिलहाल आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर था। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यार वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर लो फटाक से। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपके साथ और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग घर में रहो, स्वस्थ रहो, अपने अपने फैमिली का ख्याल रखो। सभी को हमारी तरफ से, डार्क स्टूडियो की तरफ से, टाटा।